मिसाल के तौर पर आप यूँ समझें कि आप अपने वतन से यहाँ आए, खाली हाथ आए थे, कुछ नहीं था, कोई आया हाथ गाड़ी चलाया, कोई फुटपाथ पे था, कोई ओड़ा पाँव खा करके सोया, आज अल्लाह तआला ने नवाज दिया मिसाल के तौर पर, है ना। लोगों की लोग अपनी, जो लोग बेदार मग़्ज़ होते हैं, जो दीनदार होते हैं, जो दूरंदेश होते हैं, अपना माजी नहीं भूलते हैं, और जो अपना माजी नहीं भूलता है वो सरकस नहीं होता है, मतकब्बिर नहीं होता है। तो अपने वाकयात लोग बयान करते हैं। अब ठीक है, आपको अल्लाह ताला ने नमाज दिया, आपका कोई रिश्तेदार है, कोई आपका भाई है, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, कोई और है, हर एक को माल की हवस होती है कि भी हमारा बच्चा भी चला जाए, हमारा बच्चा भी कुछ सीख लेगा तो कल ये भी सेट हो जाएगा। अब पता चला वो आ गया आपके साथ, आपके घर, आपके गोडाउन पर रहने लगा, आपने कुछ सहारा दिया, कुछ आपने उसको ट्रेनिंग दी, कुछ काम बताया, धीरे धीरे वो भी मैदान में आ गया, वो भी सेठ बन गया। या सेठ ना भी बना, किसी तरीके से उसका गुजर बसर होने लगा। अब किसी मोड़ पर आपने कहा चल रात में वो 2 बजे नासिक चलना है, नहीं नहीं अंकल बहुत थका हूँ नहीं जा पाऊँगा, या कुछ आपने कहा, उसने कहा नहीं नहीं मामू नहीं हो पाएगा, या भाईजान नहीं हो पाएगा, जो भी रिश्ता रहा हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि ठीक है भाई कोई बात नहीं। लेकिन चूंकि आपने एहसान किया है, बदले की उम्मीद थी कि उससे बदला, जब कहूंगा, जिस वक्त कहूंगा, रात के 2 बजे कहूंगा, तो हमारे एहसान तले दबा रहेगा और फौरन कहेगा कि चलूंगा। अगर बदले की उम्मीद है तो फिर गोली आप चलाओगे ही, क्या कहोगे, बोल गए बेटा वक्त था कि आए थे, एक कटिंग के मोहताज थे, चाय को क्या बोलते हैं, पानी कम चाय, देख पानी कम चाय के मोहताज थे बेटा, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, भूल गए। ये जुमला अदा करने में 2-4 घंटा लगा, कितना टाइम लगा, 10-20 सेकंड। 10-20 सेकंड में उस बच्चे को आप आया, बच्चा वो 12-15 साल का बच्चा था, आपके हाथ 10 साल था, आपने कितने पैसे खर्च किए, कितने तरीके उसको समझाया बताया तमाम चीज़ें, ये 12-15 साल की मेहनत और ये जो कुछ उसके साथ आपने किया सब रायगा हो गया, ये नेकियां ख़त्म हो गईं। वो नेकियां जो आपके नामे आमाल में लिखी जा रही थीं, वो नेकियां सब ज़ाय हो गईं, सब बर्बाद हो गईं, नेकियों की हिफाजत आप नहीं कर सके। तो एहसान जतलाने से बचिए, क्योंकि एहसान अगर आपने जतला दिया तो नेकियां आपकी रायगा होगी, नेकियां आपके आपके नामे आमाल में महफूज न रहेंगी।